जलवायु परिवर्तन इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी परेशानी है, जिसे लेकर धरती पर होने वाले कार्बन उत्सर्जन को कम करने के साथ अब नेट जीरो एमिशन पर बात हो रही है। ये नेट जीरो एमिशन क्या है और भारत इसका विरोध क्यों कर रहा है, आइए समझते हैं। नेट जीरो एमिशन का मतलब है कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को बैलेंस करना, यानी कोई देश जितना कार्बन उत्सर्जन करता है उतने ही कार्बन एब्जॉर्प्शन का भी इंतजाम उसके पास हो। इसके साथ ही देशों को एनर्जी सोर्स के रूप में ज्यादा से ज्यादा पवन और सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करना होगा। फिलहाल दुनिया में सिर्फ भूटान और सुरीनाम ऐसे देश हैं जिनका नेट एमिशन नेगेटिव है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि इन देशों में हरियाली ज्यादा और आबादी कम है। अब सवाल ये कि पर्यावरण के लिहाज से नेट जीरो क्यों जरूरी है। धरती का तापमान लगातार बढ़ रहा है, क्लाइमेट चेंज का कारण भी यही है। अगर इसी तरह ग्रीन हाउस गैसों का एमिशन होता रहा तो साल 2050 तक धरती का तापमान 2 डिग्री तक बढ़ जाएगा, जिसके चलते ग्लेशियर पिघलेंगे, समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा, समुद्र के किनारे बसे कई शहर पानी में डूब जाएंगे। तो फिर भारत इसका विरोध क्यों कर रहा है। भारत ग्रीन हाउस गैसों का सबसे ज्यादा उत्सर्जन करने वाला तीसरा देश है, पहला चीन और दूसरा अमेरिका है। पर ऐतिहासिक तौर पर देखें तो साल 1850 से अब तक कार्बन उत्सर्जन में भारत की हिस्सेदारी केवल 4% रही है। भारत एक विकासशील देश है, नेट जीरो फॉर्मूला अपनाने से देश की इकोनॉमिक ग्रोथ धीमी हो जाएगी। सारा मसला ग्रोथ का है, दूसरे देश नुकसान कर खुद को विकसित कर चुके हैं और भारत इसका हर्जाना अपनी गति धीमी कर नहीं भरना चाहता। भारत पर नेट जीरो अपनाने का सबसे बड़ा असर बिजली उत्पादन पर पड़ेगा, क्योंकि देश की ऊर्जा जरूरत का 60% हिस्सा थर्मल पावर से पूरा होता है। ज्यादातर यूरोपियन देश क्लीन और ग्रीन फ्यूल इकोनॉमी की ओर बढ़ चुके हैं। भारत का कहना है कि नेट जीरो लागू करने की पहले क्लीन टेक्नोलॉजी का पेटेंट विकासशील और अंडर डेवलप्ड देशों को भी ट्रांसफर किया जाना चाहिए। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है कि साल 2050 तक भारतीय रेलवे नेट जीरो एमिशन का टारगेट हासिल कर लेगी। यूएन क्लाइमेट कन्वेंशन के 192 देशों में से 137 नेट जीरो का समर्थन कर रहे हैं, जिनकी कुल ग्रीन हाउस एमिशन हिस्सेदारी 80% है। इन देशों में चीन और अमेरिका भी शामिल है। ये बहस मुश्किल है पर मुद्दा बेहद जरूरी। जरूरी खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक भास्कर ऐप। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।